हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर कुछ भी। आज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी O3+ मैन का टी ट्री बेस्ड एक आपका स्क्रब है, ऑयल कंट्रोल स्क्रब है जो कंपनी क्लेम कर रही है। तो इसका पूरी डिटेल्स एंड इसका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सो फ्रेंड्स, ये आपको 1350 रुपीज़ MRP पे मिलता है। बाकी आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर, वो डिपेंड करता है आपको उस टाइम पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है जब आप इसे ख़रीद रहे हैं। तो ये ऑयली स्किन टाइप के लिए होता है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं। ये आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, इसमें केमिकल्स भी हैं, वाटर, ग्लिसरल, प्रोपलाइन, एवरीथिंग इज़ देयर, टी एक्सट्रैक्ट, तो पूरा कॉम्बिनेशन है। बट मोस्टली ये जाएगा आपका केमिकल साइड में ही, नेचुरल में नहीं जाएगा, ऑर्गेनिक में। ये आप देख सकते हैं इसकी MRP 1350 रुपीज़ है और डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है। ये टी ट्री वाला है, मैन के लिए इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है क्योंकि स्किन पे, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल हैं, बहुत ही स्मॉल और बहुत ही जेंटल हैं कि आप इसको एकदम डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जेल लाइक इसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। आपकी स्किन को डेली यूज़ में, डेली एक्सफोलिएट करने के लिए डेड स्किन को ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने क्लेम किया कि इसमें कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, बट हमें ऐसा कोई कूलिंग इफ़ेक्ट इसमें मिला नहीं। आपकी जो डल स्किन है उसको ये ब्राइटन अप ज़रूर कर देता है और ये बहुत ही जेंटल रहता है आपकी स्किन पे। बट हमें ये थोड़ा सा कॉस्टली लगा, तो ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है कि आपको मतलब इसके लिए स्पेशली जाना चाहिए। बट हाँ, अगर इसका रिव्यू की बात करें तो कॉस्ट वाइज थोड़ा सा कम करते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, अदरवाइज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। रिज़ल्ट इसका अच्छा है, मैं आपको हैंड पर रब करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया, मैं इसको वॉश करके आती हूँ हैंड को। आप देख सकते हैं लेफ़्ट में और राइट में, इसमें मेरे लेफ़्ट में क्लीन सा लग रहा है और थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, स्मूदनेस है, ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, बल्कि राइट वाले में थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो रही है। तो ये इसका रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आ गए हम वीडियो के एंड में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जाने से पहले प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।